हर साल मतलब एक एक ट्रिप घर पर जाता हूँ, ये साल वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम कर लिया है, दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या बोलूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो इन का शुक्रगुजार हूँ, इतने मुझे यात्रा को बुलाया, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू वेरी मच। मैं था कि मेरा आना था नहीं, मैं लंदन में था और पापा ने बुला लिया मुझे, तो मेरा आना हो गया। मुझे अब मुझे ही मालूम है मुझे कैसे आना हुआ, जो तय नहीं था और मैं आज यहाँ बैठा हूँ। सो आई थिंक बुलावा आया मुझे, मुझे ही पता है कि सब चीज़। अरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो भी मेहमान घर आ रहे हैं बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत सारे आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, मुझे पता है कि कितना उत्साह आपके मन में बह रहा है, मन में बह रहा है। सर, सबसे बड़ी चीज़ देखिए, सर आए हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटी भी पहले भी आ चुके हैं और सब लोग आ रहे हैं। अभी सबसे बड़ी चीज़ ये होने वाली है यहाँ पे कि खान साहब खुद आ रहे हैं, केरला के गवर्नर, ठीक है, आरिफ खान कमिंग ऑफ ऑनरेबल गवर्नर इज केरला इज कमिंग ऑफ 28 और उनके हाथ से ये विसर्जन होने वाला है, पप्पा का विसर्जन उनके हाथ से होने वाला है। तो देखिए ये मेडिकल ही है, मैं कुछ नहीं हूँ, आप देखिए हम लोग एक बहुत छोटे से हैं, सर आए, सर ने वाह बोला, तो ये पप्पा की उनकी इच्छा थी कि वो आए और उनके दर्शन करें, इसी तरह से वो आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अजूबा है। और मैं ये कहता हूँ कि जो लोग आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि वो आके देखें और आने वाले समय में जैसे घर घर होती है ऐसे इको फ्रेंडली गणपति घर घर होना चाहिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है, जिससे कि हम पर्यावरण को भी सपोर्ट दे सकते हैं और आने वाली जनरेशन को भी हम सपोर्ट दे सकते हैं, यही मेरी इच्छा है। मुझे बहुत उत्साह हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पप्पा ने मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी हैं, तो इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ। आप डेकोरेशन भी हर साल आप अलग अलग करते हैं, अलग थीम रखते हैं, इस बार कुछ अलग थीम रखना चैलेंज कुछ करने के लिए? जी देखिए, ऐसा है मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये पप्पा अपने आप ही कुछ ऑटोमेटिक अलग सिस्टम क्रिएट करते हैं और हम उसके लिए कोशिश करते हैं। हम लोग नियमित हैं और हर बार हम कुछ ना कुछ अलग थीम देते हैं। हमें पता है पप्पा एक मूसक उनकी सवारी है और वो एक छोटा मूसक हम लोग सब जानते हैं,
आप देखिए वो उनका सबसे ज़्यादा जानवरों से प्रेम है, तो इस बार हमने मोर के इसको ये दी है और उनका एक उनकी मुझे लगा कि पप्पा को ये चीज़ पसंद आएगी और आप लोगों ने बोला कि ये अलग थिंग, सब लोग बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि ये पप्पा ही अपने आप करा रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ एक कोशिश करते हैं जैसा उनको अच्छा लगता है वैसे हम बनाते हैं। बट सर आपको लगता नहीं यहाँ साथ साथ भगवान का दर्शन हो गया क्या जी? अगर मैं संगीत में कहूँ एक तरफ तो मुझे चार लाइन याद आ रही है, मेरा ही कॉम्पोजिशन है और मैं तो दोहरा रहा हूँ। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके पप्पा जी के दर्शन करके? यहाँ पे आते ही जैसे हमने अंदर इतनी सकारात्मक पूजा, मतलब सकारात्मक पूजा वही होते कि आप जैसे किसी भी जगह पर आप जाते हैं तो वहीं पे आपके दिमाग में जो ख्याल होते हैं वो रुक जाते हैं, तो आप मान लीजिए कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। और सबसे बड़ी बात की ये दुनिया की पहली सबसे बड़ी इको फ्रेंडली मूर्ति है जी, जो कि ये बाकी जितने भी गणपति स्थापना होते आई और आगे होंगे फ्यूचर में सबके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा जो कि हमारे लिए, जो कि बापा की सीख है कि हमारा पर्यावरण जिससे कभी भी दूषित होगा नहीं, इसके लिए ये बहुत बड़ी पहल है और इसके लिए मैं बहुत बहुत सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है और बहुत ही डिवाइन और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है। सो बहुत दिल से खुशी हो रही है और बापा से यही उम्मीद है कि हमारी और सबकी राष्ट्र की सबकी सेवा सर के माध्यम से और सबके माध्यम से होती रहे और सब सुखी और समाधानी और खुशी से रहे। ये हमारे दोस्त विनोद शिंदे हैं और ऑफ कोर्स एस्थेटिक्स में आपकी बॉडी तो देखते हैं, वी शेप तो आपको पता चल रहा है, सिंगर भी हैं और जो कहा कुछ मराठी में शब्द बोल दीजिए कुछ पप्पा के दो लाइन सर से, तो एक हाँ सुनेंगे वो लोग बोल रहे हैं सर से जब आएंगे तो।